नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि परमवीर के पत्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात की गई है, लेकिन लेटर में यह नहीं लिखा है कि पैसा किसके पास गया। इसके अलावा चिट्ठी पर परमवीर के हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सीएम के पास गृह मंत्री के खिलाफ इन आरोपों की जांच के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इस मुद्दे पर भाजपा व मनसे द्वारा घेरे जाने को लेकर पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल देशमुख के इस्तीफे को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कल तक फैसला कर लिया जाएगा। शरद पवार ने सचिन वाजे की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि वाजे की नियुक्ति ना तो गृह मंत्री ने की और ना ही मुख्यमंत्री ने। सचिन वाजे की नियुक्ति का फैसला दरअसल परमवीर सिंह ने लिया था। There's no information about actually collection of money or actually money has been transferred or handed to CM and CM, Home Minister or his staff. This is the allegation. Regarding CP has mentioned my name, it is true that he met me. And he met me in connection with suppose his transfer, which government of Maharashtra was going to issue the order. जहां पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड वसूली करता था और अंडरवर्ल्ड को पुलिस पकड़ती थी, लेकिन आज के समय में मुंबई में जिस तरीके से पुलिस वाले ही जांच के घेरे में दिखाई दे रहे हैं, ये बेहद डराने वाला सबब है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।